नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्नोलॉजी साइंस का चार नए अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल टेक केयर हिमांशु। तो दोस्तों अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग देखनी पसंद है, इंटरेस्ट है साइंस टेक्नोलॉजी में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके फटाफट आज के टेक्नोलॉजी साइंस के चार नए अपडेट्स को बताइए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों पहले जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कॉमेट के बारे में। कॉमेट के बारे में अंतरिक्ष से अपडेट आ रही है। ये जो कॉमेट स्वान जो है ये एक धूमकेतु है, ये धरती के काफी नजदीक आ चुका है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। हालांकि मैंने खुद से अपनी आंखों से अभी तक नहीं देखा, बट इंटरनेट वगैरह पे, न्यूज पे मैंने इसके फोटोज वगैरह देखे हुए हैं। तो ये जो है ये धूमकेतु जो है ये यहाँ से जो सूरज की डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस पे है वो अभी धरती से। तो ये विजिबल है, ये जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के लोगों को विजिबल है। नॉर्थ मतलब ये पूरा का पूरा अर्थ के मैप को आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साइड वाले जो लोग हैं, पूरा पश्चिम उत्तर साइड वाले जो लोग हैं, उत्तरी गोलार्ध वाले लोग हैं, उनको ये विजिबल है। इसको अगर देखना है तो ये आपको सुबह सुबह देखना होगा, सूर्योदय के 60 से 70 मिनट पहले देखना होगा। 10 डिग्री के आसपास क्षितिज जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजन होता है, क्षितिज से 10 डिग्री के आसपास ऊपर आपको देखना होगा। ये एक दिखेगा, इसके बहुत पूछ होगी, इसमें लपटें निकल रही होगी, इस तरह से चमकता हुआ लपट दिखेगा। एक्चुअली लपट नहीं है वो, ये जो धूमकेतु है ये बर्फ और पानी और स्टोन से, रॉक से बना हुआ है, डफ से बना हुआ है। तो ये जो स्पीड में जा रहा है ना, तो इसके बाहर जो है ये पानी की बूंदे, बर्फ जो है, आइस इससे निकल रही है, वही धूमकेतु पूंछ जैसा दिख रहा है। तो ये जाकर के देखिए, अगर दिखता है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो ये एक बहुत ही अच्छा अप्रतिम नज़ारा है। ये कहा जा रहा है कि ये अभी जून तक रह सकता है, हालांकि इसकी खोज जो है अप्रैल 2020 में हो चुकी थी, मई 13 तारीख से ये विजुअल हो चुका है, तो कह रहे हैं कि जून तक दिख सकता है। तो दोस्तों दूसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब में टेक्निकली थोड़ा सा हंगामा मचा दिया, कुछ चेंजेस बड़ा चेंज किया है, वो ये कि 720p का जो है, इसके पहले जो HD वीडियो समझा जाता था, अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा, यानी कि SD होगा, समझ रहे, डेफिनेशन में चेंज किया है, परिभाषा बदल दी है वीडियो की क्वालिटी की। जो इसके पहले हम 720 को HD वीडियो समझते थे, अब YouTube के हिसाब से 720 जो है ये HD वीडियो नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी कि HD वीडियो है। 360p, 480p और 720p अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होंगे, यानी नॉर्मल क्वालिटी वाले वीडियो इसको माने जाएंगे, HD यानी कि हाई डेफिनेशन के नहीं माने जाएंगे। तो हाई डेफिनेशन जो है ये 1080 के ऊपर वाले जो वीडियो होंगे ये हाई डेफिनेशन के वीडियो माने जाएंगे। तो यूट्यूब जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है, विश्व विख्यात कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर कोई डिसीजन लेती है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को ये सभी बातें माननी पड़ती है। तो हो ये भी सकता है कि आगे चल करके मोबाइल फ़ोन के डेफिनेशन की बातें, परिभाषाएँ चेंज हो जाए स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में भी। तो दोस्तों तीसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है MI 10 के बारे में। Xiaomi का MI 10 का आज से सेल स्टार्ट हो चुका है Amazon इंडिया के ऊपर, MI.com के ऊपर, और रिटेल शॉप में भी जो भी MI के शोरूम होंगे आपके सिटी में वहां भी अब ये अवेलेबल हो चुका है। तो अगर इसके बारे में बताया जाए तो ऑनलाइन अगर Amazon पे देखोगे तो HDFC की तरफ से 3000 का डिस्काउंट मिल रहा है, वायरलेस जो पावर बैंक है ये फ्री मिल रहा है, और 6.67 इंचेस में है ये, इसमें 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, 8GB रैम, 256GB इंटरनल मेमोरी वाला दो वेरियंट है। X28 वाला जो है ये 4999 यानी कि 50,000 में है, और 256GB वाला है ये 5499 यानी कि 55,000 में है। तो ये AMOLED डिस्प्ले है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है, इसमें 865 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 5G का प्रोसेसर है, चार कैमरे है बैक साइड में, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सपोर्ट है। तो जाइए जाकर के देखिए Amazon के ऊपर, अगर आपको और भी कुछ अगर नया डिस्काउंट मिल गया तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों चौथी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है Realme के टीवी को लेकर के। Realme का टीवी जो है ये 25 मई से लॉन्च होने वाला है Flipkart के ऊपर, बट लॉन्च से पहले ही छोटा मोटा लीक, बड़ा लीक नहीं है, यानी बड़ा कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अभी तक नहीं लीक हुआ है, बट थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें लीक हुई है, वो ये कि ये 50 इंच के ऊपर का टीवी हो सकता है, और इसमें जो है बेजल
बॉर्डर लेस है, यानी कि इसमें बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं है। अब ये रियल में लॉन्च कर रहा है, इसको तो एमआई का मार्केट तोड़ना है जैसा कि मुझे लगता है, तो ये एमआई के कंपटीशन में ही लॉन्च करेगा। तो अगर आप टीवी लेने वाले हो, टीवी लेने के लिए इंतजार कर रहे हो, चूज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो टीवी, तो 25 तारीख तक रुक जाइए, शायद कोई बहुत बड़ा अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए आपको और एक लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी वाले टीवी मिल जाए। इसमें मीडिया टेक का प्रोसेसर यूज हुआ है और इसमें 24 वैट का स्टीरियो स्पीकर है, डॉल्बी का सपोर्ट है, 4 स्पीकर है, तो इससे ये अपने सेगमेंट में थोड़ा नंबर 1 बन जाता है 24 वैट का स्पीकर देने के कारण। तो देखते हैं 25 मई के बाद क्या निकल के आता है, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस के बारे में खुलासा होगा, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोज, अनबॉक्सिंग हम इस चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ आज के टेक्नोलॉजी साइंस के 4 नए अपडेट्स को बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नए साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।